हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी अरहर दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो आप लोग को खाने में बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल ढाबे स्टाइल में बताऊँगी बनाना, वो भी बिना लहसुन, बिना प्याज, बिना टमाटर के। बहुत ही आसान तरीका आज मैं आप लोगों के साथ यह रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फ्रेंड, रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुकर को रख दिया है और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इसी से डालूँगी 3 कटोरी पानी। तो फ्रेंड्स, 3 कटोरी पानी मैं इसी से ले लेती। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा पानी अच्छे से गर्म हो गया है। मैं पानी गर्म हो जाने के बाद इसमें ये लिया है, यहाँ पे आधी कटोरी, ये हमारी अरहर की दाल है। तो आधी कटोरी में मैंने 3 कटोरी पानी ऐड किया है। अब पानी अच्छे से गर्म हो गया है, मैं दाल को इसमें डाल देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दाल को मैंने पानी में डाल दिया है। पानी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। आज की दाल की रेसिपी जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, बिल्कुल ढाबे स्टाइल में बनाना बताऊंगी, बहुत ही कम सामान में। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें मैं डाल देती हूँ 1/2 चम्मच हल्दी। अब मैं ऐड करूँगी स्वाद अनुसार नमक। उसके बाद मैं ऐड करूँगी, यहाँ पर लिया है 2 आम की, ये खटाई है, यूपी में बनती है। तो ये हमारा जो है टमाटर का काम करेगा, इसमें खटासपन लाएगा, तो इसको मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और कुकर में सीटी लगाने के लिए मैं ढक्कन को बंद करके रख देती हूँ। तो इसमें मैं अभी 3 से 4 विसिल में लगवाऊँगी। दाल को हमें बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है फ्रेंड्स। तो चलिए 4 से 5 सीटी लगा लेते हैं। तो कभी कभी दाल जल्दी पक जाती है, कभी थोड़ा लेट पकती है, तो ये दाल के ऊपर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं 4 से 5 सीटी मीडियम फ्लेम पे लगा दूँगी, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारी दाल कैसे बनके तैयार हुई है। तो चलिए 4 से 5 सीटी आने का वेट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा 4 से 5 विसिल आ गई है और हमारी दाल अच्छे से पक गई होगी। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसे रूम टेम्परेचर आने के बाद मैं चेक करती हूँ। तो चलिए रूम टेम्परेचर आने का वेट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसे खोलकर हम देख लेते हैं। कुकर हमारा रूम टेम्परेचर पे आ गया है, ठंडा हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा 4 से 5 सीटी में अच्छे से हमारी दाल ये बन के तैयार हो गई है। बहुत ज़्यादा हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर कुक दाल खाने में टेस्टी नहीं लगती है। तो हमें इसी तरह की दाल चाहिए फ्रेंड्स। तो चलिए आगे देख लेते हैं इसके लिए क्या लिया है। तो दाल के लिए मैंने तड़का व मसाले क्या लिए हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी काली लाई लिया है 1/2 चम्मच, साबुत जीरा 1/2 चम्मच, थोड़ा सा चाट मसाला, हींग, यहाँ पे मैंने 1 लाल मिर्च लिया है, 2 कटी हुई हरी मिर्च लिया है। तो ये हमारे मसाले हैं, तड़के हैं, इसमें से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। मैं तो यहाँ पर मैंने गैस को ऑन करके 2 चम्मच तेल डाल के फ्राई पैन को रख दिया है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें जो मैं तड़के ली थी, मैं इसमें डाल दूंगी और गैस को बंद कर दूंगी, क्योंकि तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। तो यहाँ पे दाल मैंने बाउल में निकाल लिया है फ्रेंड्स, तड़का हमारा हो रहा है। अब चलिए देख लेते हैं तड़का हो गया होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा तड़का मसाला सभी अच्छे से पक गया है। तो इसी तरह से हमें पका लेना है। तो गैस को मैंने पहले ही बंद कर दिया था, क्योंकि तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो गया था। अगर नहीं गर्म बंद करती तो हमारा ये तड़का जल जाता। तो चलिए अब मैं इसको दाल में डाल देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दाल में इसको सारे तड़के को ऐड कर दिया है। दाल हमारी बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनके तैयार हुई है, बिल्कुल ढाबे जैसे बनके तैयार हुई है। आप खाने में इसका स्वाद बिल्कुल आपको ढाबे ही जैसे लगेगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही कम सामान में मैंने इसको बनाया है, आप लोग भी इस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसे मैं कुछ चीज़ से इसको जो है सर्व करती हूँ। तो तड़का मैंने इसमें डाल दिया है, अभी इसको मैं थोड़ा डेकोरेट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दाल को मैंने अच्छे से सजा दिया है। दाल हमारी कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल ढाबे जैसे आपका इसका खाने का टेस्ट लगेगा। जब कभी भी आप फ्रेंड्स बनाते हैं तो मेरे बताए अनुसार एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ही यह टेस्टी लगेगी दाल खाने में। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप लोग को कैसे लगेगी? अगर आज की रेसिपी आप लोग को पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसी कटोरी से मैंने 3 कटोरी पानी ऐड किया था और इसी से 1/2 कटोरी दाल लिया था। तो आप लोग देख ही सकते हैं यह कितना बढ़िया हमारी दाल बनके तैयार हुई है, बिल्कुल एकदम ढाबे जैसे। तो ऐसे ही रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं फ्रेंड, तब तक के लिए बाय।